नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। रामपथ अयोध्या रामपथ मार्ग पर दो बिल्डिंगों को लेकर व्यापारियों में जो रोष था कि पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांति नया घाट तथा राजगोपाल मंदिर छोटी देवकाली पर जो स्थित है उन लोगों की बिल्डिंगों को 1 मीटर से 1.25 मीटर तक चौड़ीकरण में छोड़ दिया गया है, जिसके कारण व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है। इस विषय पर जब नगर आयुक्त विशाल सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी के साथ सामान्य व्यवहार किया जाएगा। जाने नगर आयुक्त विशाल सिंह की जुबानी। रामपथ मार्ग ये छोटी दिवाली है जो दिखा रहा हूँ, ये छोटी दिवाली है, इसके बगल में दिवाली है और ये मीरापुर मार्ग है, मीरापुर मार्ग है, ये जो क्या है ये मीरापुर मार्ग है। तो यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर रामपथ चौड़ीकरण मार्ग किया गया, लोगों की दुकानें को लगभग 10 मीटर जो है इधर लिया गया, ग्रहण किया गया है। सारी दुकानें आपको दिखाना चाहूँगा, नए घाट से लेकर के यहाँ तक जो है 10 मीटर चौड़ीकरण हुई है, लेकिन लगभग 1 मीटर जो है वो रामविलास दास वेदांती पूर्व सांसद यहाँ बचा रह गया है। और दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर लगभग यहाँ भी जो है 1 मीटर प्लस आसपास यहाँ भी जो है वो फूकना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूँ जिसके हिसाब से यहाँ पे ये इस एरिया से अगर देखा जाए तो यहाँ से फूकना चाहिए इसको, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ से भी इसको तोड़ना चाहिए। अभी तो नहीं टूटा है, इसका प्रभाव क्या है, किस प्रभाव से क्या उनका है और लोगों की यहाँ पे जो एक लोगों के मन में उठना पटक हो रहा है कि शायद इस सड़क को इस जो यहाँ छूट रहा है उस तरफ ले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ अन्याय होगा। कारण कि लोग तो ऐसे ही चले गए, उनकी दुकानें चली गई हैं और चौड़ीकरण में, और जो बचा हुआ है उसे अपना व्यवसाय करेंगे, वो अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर इस तरह से यहाँ पे इसको छोड़ जाएगा, इससे कोई तो इसको निस्तारण तो करना ही चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। और ये कब टूटेगा तो अभी नगर आयुक्त महोदय मेरी जो बात हुई है उन्होंने कहा कि निश्चित जो है सारी सड़कों पर जो एक जो जो पैनामा जो जो हुआ है, जो स्थिति हुई है, जो जितना निर्धारित किया गया है 10 मीटर सभी जगह दिया जाएगा, चाहे कहीं भी हो, तो ये भी यहाँ पे 10 मीटर के रेंज में लिया जाए और इसको ध्वस्तीकरण तो होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है जिससे लोगों के अंदर एक विश्वास जगह बना रहे, लोगों के अंदर मन कोई भी प्रकार की जो है कहीं भेदभाव न उत्पन्न होने पावे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय चूँकि योगी आदित्यनाथ जी का जो एक फरमान जारी हुआ है और उस पर नगर आयुक्त महोदय बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जो विकास हो रहा है, जिस शांति ढंग से जो हो रहा है उसमें नगर आयुक्त महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से समझा करके वो लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। और धन्यवाद हमारे नगर आयुक्त महोदय आए हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर यहाँ पे कुछ समस्या है कि ये मलबा नहीं हट पा रहा है, ये मलबा कब तक है और कब तक सड़क कम्प्लीट हो जाएगा? मलबा हटाने का कार्य PWD विभाग द्वारा होने के साथ साथ किया जा रहा है और हम लोग भी नगर निगम की तरफ से जो यहाँ के निवासी अनवरत रूप से बदलते हुए परिवेश को उपलब्ध कराते प्रयास है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। हमें फसाद का डिज़ाइन करना के साथ साथ काम उसका भी चल रहा है और फसाद डिज़ाइनिंग और उसके किस हिसाब से उसका आउटपुट बाहर का होना चाहिए, अगर व्यवसायिक भवन है, अगर वो घर है, इस तरह के अलग अलग मंदिर है, मठ है, सबके लिए अलग तरह के फसाद डिज़ाइन किए गए हैं, उसको ग्राउंड पर एम्फोर्स कराने का कार्य के साथ साथ किया जा रहा है। और जो यहाँ निर्माण करने कर रहे हैं लोग उनके साथ में समन्वय बनाकर उनका हैंड होल्डिंग करके प्रसाद के साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही मलबा भी हटेगा और जैसे ही काम शुरू होगा मलबा हटने का काम और जल्दी से तेजी से शुरू होता है। इस समय मेजरमेंट और फाइनल चैनल कहाँ से पड़ना है, कहाँ पर उसमें ना ग्राउंड पे मार्किंग, ग्राउंड पे मार्किंग का कार्य शीघ्र ही निर्माण शुरू होगा। सब एक चीज़ यहाँ के यात्रियों में, यहाँ के जो निवासी हैं, व्यापारी हैं, उनके अंदर रोष बहुत है। एक रामविलास दास वेदांती की बिल्डिंग है जो लगभग 2 मीटर नहीं तोड़ी गई है, जबकि वो लोग कहते हैं कि विरोधी भी हैं, भारतीय जनता विरोधी भी हैं और पूर्व सांसद रहे हैं और ये राजभवन गोपाल में वहाँ भी लगभग 1 मीटर बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस तरह की बात वाले लोग हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास के इस मामले में हम लोग उतने सकते हैं पूरा जिला प्रशासन टीम इसको दर्शन करते हैं कि जो डिज़ाइन ड्राइंग जिस हिसाब से बनाई गई है बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान आचार करते हुए ही करते हैं या जो निर्माण है उनको हटाया जाएगा और अगर कहीं छूटा भी है उसको भी हम लोग देखेंगे।
रही बात आक्रोश की, तो देखिए ऐसे कुछ तो निर्माण के पहले हटाने में थोड़ा सा लोगों में विरोध होता है, बट वो पूरा प्रयास करें समन्वय से शुरुआत से लोगों को समझ के उनकी समस्याओं को समझ के निस्तारित करते हुए ही हम इस कार्यक्रम को प्रदर्शन करते हैं। अगर ऐसा कोई है भी तो हम लोग सब अपने ऑफिस में उपलब्ध हैं, ग्राउंड पर हम लोग आते हैं, जिलाधिकारी लोग आते हैं, पुलिस साहब आते हैं, मैं आते हैं, सब आते हैं, आप लोगों की समस्याओं को बताएँ और उनका निर्माण करें। ऐसे जितने दुकानदार हैं उनको ये बकायदा राइटिंग में दिया जा रहा है कि नए हमारे ऑफिस बन रहे हैं दुकानों को तुम्हारे अलॉट की जा रही है, ऐसे जितने दुकानदार मैं उनसे इस महत्वपूर्ण कार्य में उनका सहयोग चाहूँगा, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जो बड़ी कष्ट है थोड़ी देर बर्दाश्त करें कि आने वाला भविष्य अत्यंत सुनहरा खूबसूरत है। हम सब मिलकर इस राम नगरी को सजा रहे हैं और भविष्य की योजना विश्व की आध्यात्मिका कारण उसका नाम भी अभी हमारे नजर आए निकाल सकते हैं। बताया कि अयोध्या में तमाम जितनी भी संशोधित हैं वो समानता रहेगा, किसी के साथ व्यवहार ऐसा व्यवहार नहीं होगा कि किसी साथ जैसे राजगोपाल का है तो निरंतर जो एक नक्शा बना नक्शे के अनुसार काम होगा। यहाँ के लोगों से उन्होंने अपील किया है कि आप लोग सहयोग कीजिए और पूरी तरह से आने वाला समय जो बहुत अच्छा होगा सुरक्षित होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।